आपको पता है कि 25 जून को 1975 हमारे देश में आपातकाल लागू हुआ था। आपातकाल के रूप में एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी तरह समाप्त हुई थी, मीडिया के ऊपर नियंत्रण आए थे और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं को जो जो सरकार के खिलाफ अपने विचार रखते थे उनको मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा के अंतर्गत जेल में रखा गया था। 2 साल तक लोग बंद थे, उनका कोई दोष नहीं था, पर स्वाभाविक रूप से अन्याय और अत्याचार के रूप में लोकतंत्र की हत्या करके, संविधान की हत्या करके ये इमरजेंसी आपातकाल इस देश पर थोपा गया था। बंगलोर की विशेषता ये थी कि उस समय बंगलोर के जेल में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, सभी उस समय के बड़े बड़े नेता ये बेंगलोर के जेल में बंद थे। और मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी और अभिमान है कि इस आपातकाल के विरोध में संघर्ष करके इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का काम अगर किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। उस समय भारतीय जनसंघ था और स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यकर्ताओं ने बलिदान करके इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। ये जो लोकतंत्र है, हमारा देश जो है लोकतंत्र के बारे में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और इस लोकतंत्र में हमारी आस्था है, हमारा कन्विक्शन है। और पूरे दुनिया में इतनी 140 आबादी वाले देश का ये लोकतंत्र, ये हमारे पूरे दुनिया के आकर्षण का केंद्र है। और इसलिए इस लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या जो 50 साल पहले जो हुई थी, उस संविधान को भी बचाने का काम हमने किया है, लोकतंत्र को भी बचाने का काम किया है। लोकतंत्र के बारे में यह कहा जाता है कि हमारा लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है। एक पिलर है लेजिस्लेटिव विंग, हमारी विधायिका जो स्टेट असेंबली है, और दूसरा पिलर है जुडिशियरी, जो हमारी न्याय व्यवस्था है। तीसरा पिलर है मीडिया, जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे माध्यम है। और चौथी बात है एग्जीक्यूटिव विंग, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है। ये चारों के बारे में हमारे संविधान में उनकी कार्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी के बारे में ठीक प्रकार से लिखा गया है। पर दुर्भाग्यवश जो हमारा संविधान था, जो एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र का हार्ट है, उस संविधान को इमरजेंसी के कार्यकाल में तोड़ा गया, मरोड़ा गया। इतना ही नहीं तो विशेष रूप से जो जो संविधान की दुरुस्तियां उस समय की गई थी उसने एक प्रकार से लोकतंत्र को समाप्त किया था। आपको याद होगा जनता पार्टी की सरकार आई और पहले हमने जो जो लोकतंत्र को एक प्रकार से डंक लगाने वाली दुरुस्तियां जो उस समय कांग्रेस पार्टी ने की थी उसको सबको हमने फिर से सुधारा और लोकतंत्र को बचाने का कार्य हमारे पार्टी ने किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। बहनों और भाइयों, जो संविधान है ये संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। पर दुर्भाग्यवश इस चुनाव में ये प्रचार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें इसलिए चाहती है कि 2/3 मेजॉरिटी से वो संविधान को बदलना चाहती है। दलित, पीड़ित, शोषित जो लोग हैं समाज के, जिनको आरक्षण की सुविधा प्राप्त है वो समाप्त करना चाहती है और बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान को समाप्त करना चाहती है। जिस पार्टी ने संविधान को तोड़ा,
तोड़ मरड़ कर अपने स्वार्थ के लिए रखा है, उन्होंने हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए। सही अर्थ में अगर आपने इस विषय का अध्ययन किया तो सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती की एक केस हुई थी और इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ सात न्यायमूर्ति थे और उन्होंने एक निर्णय दिया है जो आज भी रिकॉर्ड में है। उसमें उन्होंने कहा है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। संविधान के मूलभूत तत्व कोई भी पार्टी कितनी भी मैच्योरिटी आई तो भी बदल नहीं सकता। मूलभूत तत्व क्या है? लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, इसको एक्सप्लेन किया गया है अपने संविधान में। और ये जो साइलेंट फीचर्स है ये कभी बदल ही नहीं सकती। जो पार्ट बी है, जो समय समय पर संविधान के जो कलम्स है उसमें दुरुस्ती करने का अधिकार उस समय के सरकार को है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे पार्टी ने कभी संविधान को तोड़ मरोड़ने का काम नहीं किया। जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान को तोड़ने का काम किया, उसी कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में अपप्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को तोड़ना चाहती है, बदलना चाहती है। लोकतंत्र खतरे में है। जिन लोगों ने लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश की और देश में डिक्टेटरशिप की शुरुआत करने का प्रयास इंदिरा जी के नेतृत्व में किया था, वही पार्टी हमारे बारे में गलत प्रचार उन्होंने किया गया। एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि जब कन्विंस नहीं होता है तो कन्फ्यूज करने की कोशिश होती है, और जनता को कन्फ्यूज करने की एक कोशिश की गई कि यह संविधान बदलने वाली पार्टी है हमारी, हम लोकतंत्र को खत्म करेंगे, हम मीडिया के अधिकारों को खत्म करेंगे, हम जुडिशियरी को खत्म करेंगे। एक प्रकार से इस प्रकार का अपप्रचार इस चुनाव में किया गया। मुझे इस बात की खुशी है कि ये पूरा इतिहास, इसको 50 साल हुए हैं। स्वाभाविक रूप से जो नई जनरेशन आई है उनको इस बात का पता नहीं है। मुझे पूरे जीवन में ये बात इसलिए याद है कि 1975 में मैं HSC बोर्ड की परीक्षा का अध्ययन कर रहा था और जब इमरजेंसी लगी तब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था। उस समय टेक्नोलॉजी प्रगत नहीं हुई थी तो साइकोलोस्टाइल मशीन पर पत्रक निकालने का काम होता था और वो कॉपी लेकर मैं पूरे शहर में एक एक एरिया में पहुंचाने का काम करता था और मेरे घर में एक प्रेस चलाता था। उसका नुकसान ऐसा हुआ कि मेरे परिवार के लोग, घर के लोग मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए क्योंकि मैट्रिक की परीक्षा में मुझे 52% मार्क मिला। मेरे घर वालों की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनना चाहिए, पर मैं इमरजेंसी के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी उसके साथ उस आंदोलन में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में मैंने कार्य शुरू किया। और मेरा दुर्भाग्य ऐसा कि मुझे 52% एग्रीगेट परसेंटेज मिला और इंजीनियरिंग कॉलेज में साइंस ग्रुप में मुझे 49.26% मार्क मिला। तो 50% अगर प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेनी है इंजीनियरिंग को, बाकी तो नियम ये था कि 50% से ज़्यादा साइंस ग्रुप में मार्क्स चाहिए। मुझे एडमिशन नहीं मिल पाई, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। मेरे घर में काफ़ी नाराजगी इस बात की थी। आज मुझे इमरजेंसी के खिलाफ काम करने का जो मैंने काम किया उसका पुरस्कार मिला। अभी तक मुझे 9 डिलीट्स डॉक्टरेट्स मिली और अभी तक मैं डॉक्टर नाम नहीं लगाता और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए। तो कभी कभी मुझे लगता है कि जो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, पर उस समय को मैं भूल नहीं सकता। उस समय में हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रतिकूल परिस्थिति में अन्याय अत्याचार सहन करते हुए ये मीसा के अंदर 2-2 साल बंद रहे। वो घर बर्बाद हुए, वो परिवार बर्बाद हुए, अनेक लोगों का इतना नुकसान हुआ
अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, पुलिस ने पिटाई की। मुझे याद है अनेक लोगों ने सत्याग्रह किया। जब पुलिस के खिलाफ आंदोलन करते थे इतनी पिटाई होती थी, इतना मार खाया हमने लाइफ जीवन में कि मैं कुछ दिन पहले नागपुर के जेल में जाने का मौका मुझे मिला। मैं गेस्ट करके गया, नहीं तो आप कहोगे आप जेल में जाने को कैसे, क्या अधिक आपको ये अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं जब गया तो मुझे याद था कि हम रात तक ऐसे बैठे थे, फिर कभी कभी मुलाकात होती थी, जिनका कोई गुनाह नहीं था, जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, लोकतंत्र में उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करके उन लोगों को जेल में रखा गया। शायद येदियुरप्पा जी को याद होगा वो समय। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमारे पार्टी ने ये संविधान की हत्या जो कांग्रेस पार्टी ने की है, इतिहास जो होता है, इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भूतकाल का इतिहास होता है, वर्तमान काल में उसका अध्ययन करके, चिंतन करके भविष्य काल में उसके साथ हमको जाना है तो इतिहास का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है, उसको भूलना नहीं चाहिए। और उसको याद रखकर, इस लोकतंत्र को मजबूत रखकर, संविधान के बारे में हमारी पार्टी की जो श्रद्धा है उसको कायम रखते हुए हमें आने वाले अनेक सालों तक नई पीढ़ियों को यह बताना पड़ेगा कि संविधान के हत्यारे कौन है, लोकतंत्र के हत्यारे कौन है, किसने ये पाप किया है। हमने तो लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया है, संविधान को बचाने के लिए हमने संघर्ष किया है, और जब तक हमारी पार्टी है हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा पूरी ताकत के साथ करेंगे। ये संदेश हम सबको जनता में देना है। बहनों और भाइयों, हमारी पार्टी की अपनी विशेषता है, हम परिवारवादी पार्टी नहीं है कि हमारे स्वाभाविक रूप से किसी का लड़का लड़की होना गुनाह नहीं है, अगर उसमें कर्तृत्व है तो उसको भी मौका है। पर दुर्भाग्यवश इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर अभी राहुल गांधी तक एक परिवार ने कांग्रेस पार्टी के रूप में, एक पारिवारिक पार्टी के रूप में काम किया, और ये काम करते समय इस पार्टी ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। 1947 में हमें स्वाधीनता मिली, और 1947 में स्वाधीनता मिलने के बाद आज 75 साल लगभग पूरे हुए, और इस 75 साल में 60 साल इस देश में अनेक राज्यों में काम करने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला। क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, कांग्रेस पार्टी ने 20 कलमी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की, गरीबी हटाने हटाओ का नारा देते उसके ऊपर चुनाव जीते। गरीबी दूर हुई? नहीं हुई। हाँ, एक बात जरूर है कि 60 साल में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, और चेले चपाटे और चमचों की गरीबी जरूर दूर हुई, पर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को खोखला बना दिया। आपको याद होगा कि 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने तो वो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे, उनने रशिया के इकोनॉमिक मॉडल को स्वीकार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी आई, उन्होंने भी वो लेफ्टिस्ट मॉडल को अपनाकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजे लोगों के तनखे बन के बहुत से निर्णय वो लेफ्टिस्ट विचारों के आधार पर उन्होंने किए। उस समय देश में 3 विचारधाराएं थी, एक था साम्यवाद, दूसरा था समाजवाद, और तीसरा था पूंजीवाद। हमारे महाराष्ट्र में और गुजरात में एक स्वतंत्र पार्टी होती थी, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते थे। दूसरी पार्टी थी समाजवादी पार्टी थी, जो राम मनोहर लोहिया जी ने जिसकी स्थापना की थी, वो काफ़ी झगड़े हुए। मुझे याद है कि जनता पार्टी के रूप में कर्नाटक में भी काफ़ी समाजवादी लोग थे, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय, मधु दंडवते, मृणाल गोरे, एसएम जोशी, ये सब लोग थे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब का मेरा बहुत नज़दीकी संबंध था। महाराष्ट्र में मुंबई में मैं 18 साल विधानमंडल में रहा, तो बहुत बड़े नेता थे, अपने विचारों के प्रति वो प्रामाणिक थे।
पर समाजवादी पार्टी की स्थिति ऐसी हुई कि एक दिल के टिकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, पूरी समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, स्वतंत्र पार्टी खत्म हो गई, और कांग्रेस पार्टी जो थी जो बातें करती थी वो भी बदल गई, और कम्युनिस्ट पार्टी भी अब कही रही नहीं। मुझे, मैं आपको ये इतिहास इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी विचारधारा का और हमारा संगठन का महत्व क्या है ये हम लोगों ने समझने की आवश्यकता है। उस समय जब मैं बीजेपी का अध्यक्ष था तो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी ने हमें निमंत्रित किया। मैं एक डेलीगेशन लेकर चाइना में गया था और तब मेरे ध्यान में आया कि कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों का और चाइना की सरकार का कोई संबंध नहीं था। शांघाई में जैसे हमारे यहाँ NRI होते हैं, वैसे नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज, इन्होंने काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट शांघाई में लाई, वो हमने अपने आँखों से देखी। और जब मैं चाइना के प्रेसिडेंट को मिला, वहाँ के पार्टी के लोगों को हम मिले, तो मैंने उनको कहा कि आपका केवल लाल झंडा ये छोड़कर बाकी सब बदल गया है। ये तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप ला रहे बाहर से और डेवलपमेंट कर रही है, कैसा है? तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें हमारा देश का विकास करना है। वो माओ को भूल गए, लेनिन को भूल गए, मार्क्स को भूल गए, और उन्होंने पूरी तरह से अमेरिकन साम्राज्यवादी लिबरल आर्थिक व्यवस्था को लगभग स्वीकार किया। उस समय मैं हंगेरी में गया था, बुडापेस्ट करके उनका कैपिटल है, और उस कैपिटल में गार्डन है, और उस गार्डन में जाने का जब मुझे मौका मिला तो एक कोने में 15-20 पत्थर की प्रतिमाएं पड़ी थी। तो वहां मैंने हमारे एम्बेसडर को पूछा कि ये किसकी प्रतिमा है, तो बोले ये मार्क्स की, लेनिन की, जो जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन में जिन्होंने किया उन नेताओं की है। पर हंगेरी देश भी कम्युनिस्ट था और कम्युनिस्ट विचारधारा ने इतना नुकसान किया कि उसकी रिएक्शन जनता में आई और उन्होंने पूरी मूर्तियां उखाड़ उखाड़ कर फेंक दी। तब कारपोरेशन ने उठाकर एक गार्डन के कोने में रखी है, वो ये मूर्तियां है। यानी कम्युनिस्ट पार्टी को भी दुनिया में उखाड़ कर फेंक दिया। रशिया में भी वो नहीं रहा। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा इस देश के भविष्य को बदलना चाहती है, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहती है, इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इस देश को विश्वगुरु बनाना है, और इस देश को आर्थिक दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनानी है, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है, ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। और ये अगर करना है तो आने वाले भविष्य में हमको किस दिशा में किस प्रकार से जाना है ये सोचकर हमारे कार्यकर्ता और नेताओं को उस नीतियों को अपनाना होगा। और यही हमारी मुख्य बात है कि 75 साल के इतिहास में जो कांग्रेस पार्टी 60 साल में नहीं कर सकी, वो हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में 10 साल करके दिखाया। हमने कहीं अन्याय नहीं किया, कहीं अत्याचार नहीं किया, कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत पर विश्वास रखती है कि कोई भी व्यक्ति जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके कार्य कर्तृत्व से और गुणों से बड़ा होता है। और स्वाभाविक रूप से इसी आधार पर समाज में सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसे प्रस्थापित हो, सामाजिक समता और आर्थिक समता कैसे प्रस्थापित हो, इसके लिए हमने निरंतर प्रयास किए हैं। और आज हमने जो नीतियां स्वीकार की है उसके कारण परिणाम दिख रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, हर क्षेत्र में दिख रहे हैं। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी मेरे साथ संबंध है, मेरे डिपार्टमेंट के साथ। मैं जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मंत्री मैं जब मंत्री बना तो 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी, और हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आने के बाद आज 10 साल में वो दुगनी हो गई, 15 लाख करोड़ रुपए की हुई। 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला,
और हमारे देश में भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाली कोई क्षेत्र है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का क्षेत्र है। मैंने हमारे सभी लोगों को बुलाया, हमारे टीवीएस, हीरो, बजाज, इनकी स्कूटर्स, टू व्हीलर 50% एक्सपोर्ट होती है। अभी मैं कल पुणे जाने वाला हूँ कि बजाज स्कूटर ने, मैं इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल पे काफ़ी काम करता हूँ, तो पहला उनकी स्कूटर को लॉन्च करने के लिए मैं पुणे जा रहा हूँ। अब देश बदल रहा है और मैं आपको बताता हूँ कि पहले हमारा नंबर 7वें नंबर पर था वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, अब धीरे धीरे जापान तीसरे नंबर पर था, हम चौथे नंबर पे थे, अमेरिका पहले नंबर पर थी, चाइना दूसरे नंबर पर था। पर हमारी सरकार ने यह चमत्कार किया है कि 4 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर पहुंचे। और मैंने पूरे इंडस्ट्री को बुलाकर यह कहा है कि हमारी सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री का, मेरे विभाग का यह उद्दिष्ट है कि 5 साल के अंदर हमारे देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुंचनी चाहिए। अब वर्ल्ड के सब ब्रांड हमारे पास आए। मैं अभी एक मर्सिडीज का पुणे के पास चाकण में इलेक्ट्रिक मर्सिडीज को लॉन्च करने के लिए गया था, तो जर्मनी से उनके प्रेसिडेंट आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि इसके बाद तो हम केवल इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बनाएंगे और हिंदुस्तान हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। अभी पूरे बड़े बड़े बंगलोर में भी काफी कंपनियां हैं और आज हमारे देश में स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर हमने बायोफ्यूएल और अल्टरनेटिव फ्यूएल की शुरुआत की। आज आपके यहाँ से मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी है, इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी है, इलेक्ट्रिक पर आने वाली स्कूटर आई। मैं जब बात करता था तो लोग, मीडिया वाले मुझे पूछते थे कि गाड़ी रास्ते में बंद होगी इलेक्ट्रिक की तो क्या धक्का मारना पड़ेगा, क्या आप आओगे क्या? कोई गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी, पूरे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर। और मैं शनिवार को नागपुर में एक एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक केबल नहीं तो ऐसी यंत्रणा, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि केवल 40 सेकंड में 40 किलोमीटर बस एकदम इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगी, 40 किलोमीटर जाएगी। वो टेक्नोलॉजी हिताची की है और बस 50 किलोमीटर दोनों साइड से घूमती रहेगी। 132 सीट है, 3 बसेस लगाकर बड़ी बस है और उसमें हवाई जहाज में जितनी व्यवस्था रहती है, एयर होस्टेस रहती है, वैसे बस होस्टेस होगी, चाय पानी नाश्ता मिलेगा और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा और टाटा उसको बना रहा है। हम देश बदल रहा है, इसका कारण यही है कि बंगलोर तो आईटी का कैपिटल है और हमने ये तय किया है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और मुझे खुशी है कि आज पूरे दुनिया में जहां हम जाते हैं तो भारतीय मिलते हैं। मुझे जापान के प्रधानमंत्री पूछ रहे थे कि मिस्टर गडकरी, तुम्हारे ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं इनके दिमाग में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या, ये इतने होशियार कैसे हैं? और बंगलोर या आईटी का एक प्रकार से ओरिजिन है, नई नई टेक्नोलॉजी कहाँ आती, तो बंगलोर में आती है, कर्नाटक में आती है, हाइड्रोजन पर काम कर्नाटक में होता है। और इसलिए आने वाले समय में दुनिया में नॉलेज के हिसाब से, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि नॉलेज ये टाइग्रेस, वाघिन का दूध है और जो लोग इसको पिएंगे वो दुनिया की ताकत बनेंगे। और आज हमारे देश में इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज कितने बड़े प्रमाण पर खुले हैं। आज हमारे आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुनिया में उनका कितना दबदबा है। पूरे विश्व में आज हमारे पढ़े हुए लिखे हुए लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी को हम लोग बहुत मानते हैं। और शिकागो में उन्होंने एक भाषण किया था, वो भाषण मैं अक्सर याद रखता हूँ। उन्होंने कहा था कि 19वीं सदी जो थी वो मुगल सल्तनत की सदी थी, 20वीं सदी की जब शुरुआत हुई
तो अंग्रेजों का यूनियन जैक सब तरफ फैल रहा था। 21वीं सदी एक प्रकार से आने वाले समय में 20वीं सदी में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का बोलबाला था, पर 21वीं सदी है वो विवेकानंद जी ने कहा है कि वो हिंदुस्तान की है, भारत की और आपकी है। और इसलिए विवेकानंद जी ने जो कहा है वो सपना पूरा करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पर है। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। इस समाज की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से मुक्त हम समाज को करना चाहते हैं। अभी यूनो में चर्चा हो रही थी, वो क्या कह रहे थे, वो चर्चा कर रहे थे डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सुखांक। उसका मतलब क्या था कि हर गरीब परिवार को पीने के लिए पानी मिलना चाहिए, रहने के लिए घर मिलने चाहिए, खाने के लिए रोटी मिलनी चाहिए, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ सुखी घर होना चाहिए, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स। आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने करोड़ों लोगों को हमने घर दिए, उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवार को गैस उपलब्ध करा कर दिया। एक तरफ हमारे खिलाफ गैस सिलेंडर की बात को लेकर और पेट्रोल डीजल की बात करके कांग्रेस पार्टी टीका टिप्पणी करती है। ये कर्नाटक की कांग्रेस सरकार है कि जिन्होंने पेट्रोल डीजल पर एडिशनल 3 रुपए दर ज्यादा लगाया और महंगाई बढ़ाई और हमको कहते कि आप महंगाई बढ़ा रहे हैं। यानी एक तो यह ऐसी बात है कि झूठा प्रचार करते हैं। हमने जो इकोनॉमी चुनी है वो रोजगार निर्माण करने वाली इकोनॉमी है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता हूं, यहां बहुत एमपी बैठे हैं, मैं लोगों को कहता हूं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम लेके आओ काम। कल आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मेरे पास आए थे, मैंने उनको कहा मैं 1 महीने में 2 लाख करोड़ कर्नाटक को देता हूं, पर मेरी कंडीशन है तुम लैंड एक्विजिशन करके दो, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस करके दो, हर प्रोजेक्ट अटका हुआ है, तो मैं हवा में तो रोड नहीं बना सकता, आप ये मुझे क्लियर करके दो, आप मांगो मैं दूंगा। और इतने जितने एमपी बैठे हैं शायद इसमें से 2-4-5% बाकी होगा, जितने पत्र मैं उन्होंने मुझे दिए उतने काम मैंने करके दिए, अभी तक 3.5 लाख करोड़ के काम किए होंगे। अभी चेन्नई से बेंगलोर आने वाला हाईवे, मैं दिसंबर के पहले प्रधानमंत्री उसका इनॉग्रेशन करेंगे और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, बंगलोर का रिंग रोड जो बंगलोर की सबसे ट्रैफिक जाम की समस्या है, मैं कोशिश करूंगा कि दिसंबर के पहले 17,000 करोड़ का रिंग रोड बंगलोर का पूरा हो जाए। अब मेरे पास लिस्ट बहुत बड़ी है पर ये कार्यक्रम में उसको गिनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर मैं इतना बता सकता हूं कि कांग्रेस ने 60 साल में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया उससे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में किया। मुझे याद है मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, मैंने सब मुख्यमंत्री 23 झगड़े चल रहे थे, कब से चल रहे थे, 1970 से, मैंने 17 झगड़े निपटा है। मैं मुख्यमंत्री जी को बुलाया करता था, दरवाजा बंद करता था और बोलता था जब तक यूनानिमिटी नहीं होगी दरवाजा नहीं खोलूंगा। और उस समय एक प्रोजेक्ट हमने तैयार किया था, ये गोदावरी में जो आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ का एक पोलावरम डैम, आज मुझे आने में देरी हुई क्योंकि चंद्राबाबू नायडू मेरे घर पर आए थे, 1.5 घंटा बैठे थे तो सब प्रोजेक्ट की चर्चा चल रही थी, तो पोलावरम करके आंध्र प्रदेश में बनाया और 1300 टीएमसी पानी समुन्द्र में जाता है, तो हमने योजना बनाई थी कि गोदावरी का पानी पेनार में, पेनार का कृष्णा में और कृष्णा का कावेरी में डालकर टेल एंड टू तमिलनाडु तक पहुंचाने का, मैंने डीपीआर भी बना कर रखा था, अगर एक प्रोजेक्ट पूरा होता तो कर्नाटक को छोड़ दो तमिलनाडु का भी पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। इतने नई नई योजनाएं हमने तैयार की, हम इस देश को बदलना चाहते हैं, गरीबी को दूर करना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार निर्माण करना चाहते हैं, किसानों का भला करना चाहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान सबको देना चाहते हैं।
हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का चिंतन है कि समाज का जो सबसे आखिरी व्यक्ति है, जो आखिरी पायदान पर खड़ा है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी सेवा करते हुए उसको रोटी कपड़ा और मकान दिलाएंगे और उसका विकास करेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। हमारे विचारों से हमने दूर नहीं होना चाहिए, हमारे उद्दिष्टों को कभी भूलना नहीं चाहिए। राज बदलना नहीं है, समाज बदलना है। एंड पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। केवल दो चार लोग मंत्री बन गए उससे नहीं होगा, हमें इस देश के भविष्य को बदलना है। हमने जातिवाद और सांप्रदायिकता की कभी राजनीति नहीं की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मुझे बताइए, भारत सरकार की एक योजना ऐसी बताइए कि जिसमें हमने दलितों को डिस्क्रिमिनेट किया, हमने मुसलमानों पर अन्याय किया, एक बताइए। उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ गैस सिलेंडर और गैस दिए, क्या हिंदू मुसलमानों को और दलितों पर अन्याय किया? प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाए, कभी कोई अन्याय किया? जितनी योजनाएं हमने बनाई, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार ने बनाई और भारत सरकार ने बनाई, हमने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। मैं तो लोकसभा में खड़ा था, मैंने हमारे लोगों को कह दिया भाई, मैं जात पात की बात नहीं करूंगा, जो जात की बात करेगा उसको ठोकूंगा, देना है तो वोट दो, नहीं देना है तो मत दो। हम इस देश की छुआछूत, अस्पृश्यता, दातीयता नष्ट करना चाहते हैं, सांप्रदायिकता नष्ट करना चाहते हैं। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत भारतीय संस्कृति है, ये इसी का नाम हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, इसको सही अर्थ में समझने की आवश्यकता है। हिंदुत्व की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है कि इट इज ए वे ऑफ लाइफ, और इसलिए जिनकी उपासना पद्धति अलग है, जो कोई मस्जिद में जाता होगा, कोई गुरुद्वारा में जाता होगा, कोई चर्च में जाता होगा, हम यही कहते आए कि संस्कृति सब की एक चिरंतन, पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। वी डोंट वॉन्ट टू डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन। बात साफ है, पर दुर्भाग्यवश पार्लियामेंट में हिंदू समाज को किस प्रकार से उसकी भर्सना की गई। क्या राजनीति के उपयोग के लिए लोगों को धर्म के आधार पर लड़ाया जाएगा? क्या हमने ऐसा कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन किया है? दुर्भाग्यवश कभी कभी ऐसा होता था कि एक सुंदर राजन करके पत्रकार थे, बहुत पुराने, अटल जी अडवाणी जी के समय, उन्होंने एक लेख लिखा था, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। हमारी सच्चाई को जनता के पास इफेक्टिवली पहुंचाने का काम आप जैसे कार्यकर्ताओं का है। हम गरीबी दूर करना चाहते हैं, हम जातीयता और सांप्रदायिकता को नष्ट करना चाहते हैं। सेक्युलर शब्द का अर्थ अंग्रेजी डिक्शनरी में आप जाकर देख लीजिए, सेक्युलर शब्द का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, धर्म निरपेक्षता नहीं है। जस्टिस विथ ऑल एन अपीजमेंट ऑफ नन, सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए, यह अर्थ है। कांग्रेस पार्टी ने सेक्युलर शब्द का अर्थ धर्म निरपेक्षता कहा। अगर धर्म निरपेक्ष आप है तो इंदिरा जी के मृत्यु के बाद उनको मंत्राग्नि क्यों दिया? अगर आप धर्म निरपेक्ष है तो राजीव गांधी को क्यों मंत्राग्नि दिया? इसका जवाब नहीं है उनके पास। किसने क्या करना चाहिए उसका अधिकार है, और हिंदुत्व और भारतीयत्व एक ही है। और जो हमारे विवेकानंद जी ने शिकागो के भाषण में कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं यहां यह कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मैं ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मैं ये कहने के लिए आया हूं कि इस विश्व में आप जिस धर्म पर विश्वास रखते हो, जिस भगवान पर विश्वास रखते हो, वो धर्म और भगवान, वो जो आपका विश्वास है वही सबका धर्म, भगवान एक ही है। संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। उसका अर्थ यही है कि जिस प्रकार से बरसात का पानी गिरता है, नदी नालों के साथ घूमते हुए नदियों में जाकर फिर समुद्र में मिल जाता है, वैसे किसी भी भगवान को नमस्कार करने से अंततोगत्वा वो भगवान को ही मिलता है। इस विचारधारा पर हम चल रहे हैं।
हम क्यों डिस्क्रिमिनेट करें किसी को? दुर्भाग्यवश हिंदुत्व, हिंदू धर्म आज हमारे वर्ल्ड की आस्था का विषय बना हुआ है। योग विज्ञान, आयुर्वेद, आप कभी फॉरेन में जाओगे तो कितने बड़े प्रमाण पर योग डे हुआ है। और इसलिए दुर्भाग्यवश हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार की टिप्पणियां की गई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समाज में जातीयता, अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता नष्ट करेंगे, आर्थिक और सामाजिक समता प्रस्थापित करेंगे। और हमारे समाज के तीन पिलर है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। और इकोनॉमी के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सामाजिक आर्थिक चिंतन दिया है जिससे रोजगार की निर्मिति करेंगे। हमारे देश का विकास अगर करना है तो तीन सेक्टर इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर। हमारे जीडीपी में 22-24% कॉन्ट्रीब्यूशन ये इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। हमारे एग्रीकल्चर में केवल 12% आता है और सर्विस सेक्टर में 52-54% आता है। आज पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट निकाले हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। 500 ब्लॉक निकाले हैं और मुझे विश्वास है कि वहां गरीबी है, वहां जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित स्वदेशी और स्वावलंबन के विचारों के आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी जी के विचारों के अनुरूप हमारे गांव समृद्ध संपन्न कैसे बनेंगे, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, इस देश की प्रगति और विकास कैसे होगा, भारत महाशक्ति कैसे बनेगा और विवेकानंद जी ने कहा हुआ सपना पूरा कैसे होगा, यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। अगर सत्तारूढ़ पार्टी में रहेंगे तो सरकार के द्वारा ये परिवर्तन करेंगे, और विपक्ष में रहेंगे, अगर विपक्ष की भूमिका मिलेगी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के सवालों के लिए संघर्ष करेंगे। ये पूरी तरह से इसी तरीके से हम काम करते हुए आए हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आज हम एक अच्छी ताकत के रूप में उभर कर आए, पूरा विश्व हमारे तरफ देख रहा है, हमारी इकोनॉमी बड़े तेजी से बढ़ रही है, 8% ग्रोथ रेट हमारा हुआ है, हमारे लोग दुनिया में, अमेरिका में अच्छे डॉक्टर, मेजोरिटी इंडियन है, यूके में अच्छे डॉक्टर इंडियन है, हमारे आयुर्वेद, योग विज्ञान पूरे कोने कोने तक पहुंच गया है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी, यही ऐसा समय है कि हमें देश के विकास के लिए प्रयास करने हैं। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। हमें समस्या का रूपांतर अपॉर्चुनिटी में करना है, इसलिए रोते मत बैठो, एक एक क्षण का उपयोग करके इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सामाजिक आर्थिक चिंतन है उसके आधार पर जो समाज का आखिरी व्यक्ति है उसको केंद्र बिंदु मानकर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन, ये कमिटमेंट हमारी है।